अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइंडहंटर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपसे मुख्तलिफ पहेलियाँ पूछेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। शहर में एक किडनैपर आ गया था। वो किडनैपर पार्क में खेलते बच्चों को किडनैप कर रहा था। आए दिन पार्क से बच्चे गायब होते जा रहे थे। तब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस किडनैपर की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस ने पूरे पार्क में कैमरे लगवा दिए ताकि उस किडनैपर के बारे में पता चल सके। आखिरकार पुलिस को पार्क में 3 लोगों पर शक हुआ। पुलिस उन 3 लोगों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस उनको ये नहीं बताती कि उन्हें किस बात का शक है। बस पुलिस रूटीन में उनसे पूछती है कि आप लोग पार्क में क्या कर रहे थे। तो अंकल पुलिस को बताते हैं कि मैं तो अपने भतीजे की सालगिरह में शिरकत के लिए जा रहा था, उनका घर पार्क के पास ही है। दूसरी ये लेडी पुलिस को बताती है कि मैं तो अपनी बिल्ली को ढूंढने पार्क में आई हूँ, वो सुबह से लापता है। और आखिर में तीसरा ये आदमी पुलिस को बताता है कि मैं यहाँ पार्क में वॉक करने के लिए आया था, मुझे पार्क में घूमना पसंद है। पुलिस उस आदमी से कहती है कि ये आपकी जेब में चॉकलेट है। तो वो आदमी कहता है कि ये चॉकलेट मेरी है, मुझे चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं देखे। पुलिस इन 3 से पूछताछ करने के बाद समझ जाती है कि इनमें से बच्चों को पार्क में से कौन किडनैप कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इन 3 में से किडनैपर कौन है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चले मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। मुझे उम्मीद है आपने अपना जवाब कमेंट में जरूर दे दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। किडनैपर ये तीसरे वाला आदमी है, क्योंकि पुलिस ने किडनैपिंग के बारे में किसी से भी नहीं पूछा था। लेकिन इस आदमी की बातों से लग रहा है जैसे इसको सब पता है। ये आदमी डरा हुआ भी है, यहाँ तक कि इसने बच्चों की बात भी खुद कही, और उसकी जेब में चॉकलेट भी है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये आदमी बच्चों को चॉकलेट दिखाकर अगवा कर रहा है, यानी यही किडनैपर है। अगली पहेली। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखें। 3 मशहूर मॉडल गर्ल्स ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन इन 3 लड़कियों में से एक लड़की भूत भी है। दोस्तों, क्या आप इन 3 लड़कियों को देखकर बताएंगे कि कौन सी लड़की भूत है? और हमें रीजन भी बताइएगा कि आपको लड़की भूत किस वजह से लगती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। भूत ये पहली वाली लड़की है, क्योंकि ये हवा में लटक रही है और फांसी का फंदा इस लड़की की गर्दन पर भी नहीं है, जबकि अगली 2 लड़कियों की लाशें फांसी के फंदे की वजह से लटक रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया, इन 2 लड़कियों की लाशों की शेडो भी बन रही है, जबकि पहली लड़की की लाश की कोई शेडो नहीं बन रही। इसका मतलब है कि ये पहली वाली लड़की भूत है। आप में से कौन कौन इसका जवाब दे पाया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, अगली पहेली शुरू करते हैं। आप अपने घर गए तो आप 2 लोगों को अपने सामने देखते हैं, जिनमें से एक आपकी वाइफ है और दूसरी उसकी पागल जुड़वा बहन है। वो पागल लड़की आप और आपकी वाइफ को मारना चाहती है। उन 2 के पास चाकू भी है। आपके पास एक बंदूक है जिसमें सिर्फ 1 ही गोली है। अगर आपका निशाना गलत होता है तो आप अपनी वाइफ को मार डालेंगे और आप खुद भी मर जाएंगे। लेकिन अगर आप सही निशाना चुनते हो तो आप और आपकी वाइफ 2 बच जाएंगे। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2 बहनें जुड़वा हैं, 2 एक जैसी दिखती हैं, जिसकी वजह से आप सही से चुन नहीं पा रहे कि आपकी वाइफ कौन है। दोस्तों, क्या ऐसी सिचुएशन में आप पता कर पाएंगे कि इनमें आपकी वाइफ कौन है? जो आपके लिए आपको कुछ अलग सोचना होगा। हो सकता है कि आपका जवाब और मेरा जवाब मुख्तलिफ हो, इसलिए आप जो भी जवाब सोच रहे हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलें इसका जवाब जान लेते हैं। जवाब बहुत ही सिंपल है। आप अपनी बंदूक को अपने सर पर लगा दीजिए और उन दोनों को बोलें कि चाकू फेंक दो, नहीं तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। ये सुनते ही आपकी बीवी फौरन चाकू फेंक देगी, लेकिन उसकी पागल बहन कभी चाकू नहीं फेंकेगी। इससे आप समझ जाओगे कि आपकी वाइफ कौन है। फिर आप अपनी बंदूक से उस पागल लड़की पे गोली चला देना, इससे वो पागल बहन वहीं मर जाएगी और आप दोनों बच जाएंगे। आप में से कितने लोग इसी किस्म का जवाब सोच रहे थे, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं। शुक्रिया।